भारत में सबको वैक्सीन पहुंचाना दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा, इसीलिए वैक्सीन पहुंचाने वाले सिस्टम का 100% फिट रहना जरूरी है। भारत ने वैक्सीनेशन के अपने प्लान में तैयारियों की कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश के चार राज्यों में मॉक ड्रिल से ये उम्मीद और बढ़ गई है कि वैक्सीनेशन में भारत का नंबर आने में अब ज्यादा देर नहीं है। खुद सरकार भी बार बार ये कहती रही है कि जनवरी से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। सरकार का वैक्सीनेशन प्लान रेडी है। पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का नंबर आएगा जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस प्लान पर अमल करने वाला सिस्टम भी एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी और बिहार में भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही है उसको और कम करें, इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज़्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारे जो केसेज हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेज हैं वो कम होंगे। भारत के वैक्सीनेशन प्लान में 3 वैक्सीन सबसे अहम है। पहला नाम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का है, दूसरा नाम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का है, तीसरा नाम फाइजर की वैक्सीन का है। इन 3 वैक्सीन को भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है, जिन पर अटकलें ये भी हैं कि जल्द ही इस वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। अगर भारत ऐसा करता है वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि खुद ब्रिटेन में इस वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं मिली है जहां इस वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि 4 जनवरी तक ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इससे भारत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। आज तक ब्यूरो।